अगर घर में दिखाई दे संकेत तो समझ लीजिए आप पर है, बरसने वाली है पितरों की कृपा। दोस्तों आपको ये तो पता ही है, बहुत ध्यान रखना होता है। जो वर्जित कार्य होते हैं या बोझ पदार्थ होते हैं उन्हें हमें भोग नहीं लगाना चाहिए। उनकी दिल से सेवा करते हैं, रोज उनको जल अर्पण करते हैं, उनके नाम का तर्पण करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपके पितरों आपसे प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं। शास्त्रों के अनुसार पितरों के लिए किया गया श्राद्ध परिवार के उनके मित्रों को जो मृतक हो चुके हैं परिवार में उन प्राप्ति प्रदान करता है जो पितृलोक की यात्रा पर हैं। यमराज इन 16 दिनों में श्राद्ध पक्ष में पितरों को अपने अपने परिजनों से मिलने की आज्ञा देते हैं। श्राद्ध पक्ष में नए काम करने से बचते हैं, लेकिन जिन पर पितरों की कृपा होती है उनको नए काम करने से लाभ की प्राप्ति होती है। आज मैं आपको बताऊंगी वो कौन से संकेत हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं या नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने माता पिता को प्रसन्न करना सीखें। पितर अपने दिव्यगत तिथि के दिन अपने पुत्र पुत्रों से यह अपेक्षा रखते हैं कि कोई श्रद्धा पूर्वक भोजन कराए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको उन चीजों के बारे में जिससे पितर बहुत ही खुश होते हैं, गंगा जल, दूध, शहद, तरस का कपड़ा, कुश और तिल। इन चीजों से पितर बहुत ही खुश होते हैं। इन चीजों से पितर नाराज होते हैं। काला जीरा, खीरा, काला नमक तथा बासी अपवित्र चीजें श्राद्ध में अर्पित नहीं करनी चाहिए। इन चीजों से हमारे पितर नाराज होते हैं। अगर अचानक से आपको धन की प्राप्ति होती है या फिर कोई सालों का काम रुका हुआ काम शुरू हो जाए तो समझ जाइए पितर की कृपा आप पर बरसने लगी है। अगर आपके घर में किसी मित्र व्यक्ति को याद करते ही आपके कामों में रुकावट आ रही है, अगर आप अपने पितर को याद करते ही काम हो जाए तो यह भी संकेत है कि आपके पितर की कृपा आप पर बनी हुई है। लेकिन अगर आपको आपके पितर अपना हाथ दिखाते हैं या कुछ मांगते हुए नजर आते हैं तो समझ जाइए कि वो कुछ संकेत दे रहे हैं या रोते हुए दिखाई दें तो आपको उनका श्राद्ध करना चाहिए। अगर आपका कोई श्राद्ध छूट जाता है तो अमावस्या पर उनका श्राद्ध करना चाहिए। ये थी SN News रिपोर्ट।